हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा वाईफाई नेटवर्क है उसको हम कैसे पेयर कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर वीवो फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन के आइकन से हमारे फ़ोन स्क्रीन से शो हो रहे हैं। तो स्वाइप करके अपने ऑल आइकन्स नहीं हो रहे हमारे, क्योंकि हमारे आइकन्स में ही शो हैं सारे। तो हमारे ऑल आइकन्स में शो हो रहे हैं, तो इसमें से हमें सेटिंग्स आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जो हमारी फ़ोन की सेटिंग्स है हमारे फ़ोन में स्क्रीन से ओपन हो जाएगी। देख सकते हैं आप, ओपन हो गई है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन आता है इसमें नेटवर्क इंटरनेट ऑप्शन, तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही जो हमारे फ़ोन की नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग्स है हमारे फ़ोन में ओपन हो गई है। तो इसमें से हमें वाईफाई पर क्लिक करना है। तो हमने वाईफाई पर क्लिक करते हैं, हम इसको ऑन कर लेंगे साइड पर क्लिक करके। तो जो हमारा वाईफाई है हमारे फ़ोन में ऑन हो जाएगा। तो इसमें जो नेटवर्क है हमारे फ़ोन में शो हो जाएंगे। देख सकते हैं बहुत सारे नेटवर्क हमारे फ़ोन में आ चुके हैं। इसमें से हम नेटवर्क कनेक्ट करना चाहते हैं या पेयर करना चाहते हैं, तो पेयर करने के लिए आपको क्लिक करना है। जो भी आपका पासवर्ड वगैरह उसको आप टाइप कर दें यहाँ पर, जैसे जो हमारा पासवर्ड उसको टाइप कर लेते हैं। हमने पासवर्ड टाइप कर लिया है, देख सकते हैं यहाँ से अपने पासवर्ड को आप शो करके देख सकते हैं कि आपका पासवर्ड गलत है या सही। तो यहाँ से क्लिक करेंगे हमारा अनशो भी हो जाएगा। तो आप यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो जो हमारा वाईफाई नेटवर्क हमारे फ़ोन में पेयर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा वाईफाई नेटवर्क हमारे फ़ोन में पेयर हो गया है। तो आप इससे अपने वाईफाई नेटवर्क में इंटरनेट वगैरह का यूज़ कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन में। तो इस प्रकार फ़ोन की सेटिंग जाकर वाईफाई नेटवर्क को हम पेयर कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।